मसाला में फिर से एक बार स्वागत है। मिर्च मसाला में आज हम बनाएंगे दाल पंचमेल की रेसिपी। ये पांच तरह की दाल मिला के बनेगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं दाल पंचमेल की रेसिपी। यहाँ हमने लिया है एक बाउल और उस बाउल में हम डालेंगे 1/4 कप मूंग की दाल। यहाँ मैंने 1/4 कप मूंग की दाल लिया है जो हमने इस बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ हम मिलाएंगे 1/4 कप मसूर दाल। तो आइए हम इसे भी उस बाउल में डाल देते हैं। ये दो दाल हो गया। तीसरा दाल है 1/4 कप उड़द दाल। यहाँ पे सारे दाल हम 1/4 कप ही का प्रयोग करेंगे। ये तीसरा दाल हमने डाला 1/4 कप चना दाल, जो कि ये हमारा हो गया चौथा दाल। और पांचवे दाल में हम ये प्रयोग करेंगे 1/4 कप अरहर की दाल, जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं। तो इसे भी हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इन सब दालों को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और इसे हम साइड हटा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट अब हो चुके हैं तो हम इसे प्रॉपरली धो लेंगे। अब हम कुकर में डाल देंगे इन सभी दालों को अच्छे से धोने के बाद। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2.5 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी 2.5 ग्लास पानी। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 तरह की मिर्च, देगी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। देगी मिर्च आपका तीखा करेगा, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें रंग डालेगा। तो हमने ये दोनों तरह का मिर्च इसमें मिला दिया है। हम अपने स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हमें 6 सीटी देकर इसे पकाना है, या तब तक पकाना है जब तक हमारी दाल अच्छे से गल ना जाए। यहाँ मैंने 3 सीटी लगाई है हाई फ्लेम पे और 3 सीटी लगाई है लो फ्लेम पर। पक चुका है तो हम कुकर को होने देंगे ठंडा और प्रेशर रिलीज होने देंगे। यहाँ एक पैन में हमने लिया है 2 चम्मच घी, और घी जब हमारा मेल्ट हो जाए तो हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला सरसों। साथ में हम डालेंगे जीरा 1 टीस्पून, हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और हम डालेंगे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी रोस्टेड जीरा पाउडर। हींग थोड़ा सा डालेंगे 1 चुटकी भर करीब, और हम डालेंगे ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च काटकर, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम लाल होने तक हल्का कम आंच पर भून लेंगे। ये देखिए ये अब अच्छे से भुना चुका है। तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का अनियन यानी प्याज, जिसे हमने छोटे छोटे काट लिए है। अब हम प्याज को लाल होने तक भूनेंगे, जो कि अब हो चुका है। तो 1 बड़ा साइज का टमाटर भी हम इसे चॉप करके डाल देते हैं, यानी छोटी छोटी काट कर डाल देंगे, और तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। तो अब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से पक चुके हैं, और दाल का भी प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इस मसालों में मिला देंगे दाल, और आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी पकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दाल बहुत अच्छे से पके। अगर ये पकेगा नहीं ठीक से तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दाल को अच्छे से पकाएं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिला देते हैं, और हम इसे तब तक पकाते हैं जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। मुझे गाढ़ी दाल पसंद है, इसलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थिक रखी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्टेज में आप चाहें तो नमक अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नमक डाला क्योंकि मुझे और नमक की कमी लगी इसमें। बाद में हमने इसमें डाल दिया है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता, और इसे अच्छे से मिला दिया है। दाल में एक उबाल अब आ चुका है, तो गैस को कर देंगे हम बंद और इसे हम सर्व करेंगे। आप अपनी दाल चाहे चावल के साथ, पराठे के साथ, या रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकती हैं। अगर आप ये रेसिपी आप ट्राई करते हैं और आपको पसंद आती है तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।